दोस्तों, मैं संदीप कुमार और अपने नए चैनल इट्स कुकिंग टाइम विद सैंडी चेष्टा में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एग फ्राइड राइस। तो चलिए दोस्तों, एग फ्राइड राइस को बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये कैसे बनता है। लहसुन और अदरक हमारा कट चुका है, अब तीन अंडे ले लेंगे। हम तीन अंडे लेंगे और इन अंडों को एक कटोरी में निकाल लेंगे। अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो दोस्तों, वेजिटेबल हमारा सारा कट चुका है और अंडे को भी मैंने विस्क कर लिया है। और ये हमारे बॉइल्ड राइस, ये मैंने पहले से उबाल लिए थे। तो अब हम कढ़ाई में तेल लेते हैं। गैस पर कढ़ाई को चढ़ाएंगे और उसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है दोस्तों। कढ़ाई में जीरा डालेंगे, इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा हमारा भून चुका है, उसमें अदरक लहसुन अदरक डालेंगे। और ये हरी मिर्च डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च। इसको थोड़ा सोते करेंगे। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे, ऑनियन, ऑनियन को सुनहरा होने तक थोड़ा सा भूनेंगे। प्याज में हमारा भून चुका है, कटे हुआ टमाटर है वो ऐड करेंगे। अब इसमें टमाटर मिक्स करेंगे। Thank you.
और लास्ट में शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च लास्ट में ऐड करना है दोस्तों, क्योंकि शिमला मिर्च का टेस्ट थोड़ा क्रंची में होना चाहिए। शिमला मिर्च को लास्ट में डालना है ताकि क्रंची में बनी रहे। अब इसमें दोस्तों थोड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर और फुल लाल मिर्च। दो अंडे हमने मिलाए थे, अब दो अंडे इसमें डाल देंगे। और लास्ट में इसमें राइस ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और इसमें नींबू ऐड करेंगे, एक नींबू ऐड करना है दोस्तों हमें। तो मिला लेंगे। दोस्तों हमारा एक फ्राइड राइस बनके तैयार है। और देखिए दोस्तों हमारा एक फ्राइड राइस बनके रेडी है। अब इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। एग फ्राइड राइस हमारा बन के रेडी है दोस्तों। चलिए अब इसे सर्व करेंगे। स्नाया, आर्यन, आपको ये डिश कैसी लगी? मस्त लगी है। बहुत अच्छी लगी। चलो एंजॉय।